सो लुक एट द गाइस, वेलकम टू पूरी। आप कह सकते हो पूरी यहाँ से 42 किलोमीटर ओनली लेफ्ट है एंड व्हाट अ ब्यूटी। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और ये ट्रैफिक सिग्नल देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। कोई टेम्पल से ही रिलेटेड ये भी है। सो यार व्हाट अ ब्यूटी, कितना क्राउड फ्री इलाका यार। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज ऋषभ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि आज का ट्रिप कुछ खास होने जा रहा है, बिकॉज अभी मैं हूँ उड़ीसा में। तो कटक में स्टे किया हुआ था, तो पुरी जा रहा हूँ और पुरी कटक से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है हम लोग कवर करना है। तो देख सकते हो कि अभी यहाँ पे आज डे है संडे और आज रक्षाबंधन का डे है, तो दैट्स अ रीज़न कि तो क्राउड यहाँ पे है नहीं और लॉकडाउन का भी सीन है बिकॉज आज संडे है। तो अभी हम लोग को ट्रैफिक ज़ीरो मिल रहा है, तो अभी हम लोग को डायरेक्ट यहाँ से 100 किलोमीटर हम लोग डायरेक्ट जाना है। सो रोड देख सकते हो बहुत ही प्यारा रोड है, कहीं कुछ ब्रेकअप ना कुछ डैमेज रोड है। तो अभी स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, तो स्कूटी लिमिट में चलाना है। और गर्मी यार क्या बोलूँ, बहुत ही ज़्यादा बहुत हार्ड गर्मी है। तो गर्मी को फॉरगेट करते हुए हम लोग को चलना है स्ट्रेट अभी पूरी और वहाँ पे बीच को एंजॉय करना अच्छे से, बिकॉज पूरी का बीच यार नेक्स्ट लेवल वार। मतलब रियल मायने में अगर बीच देखना है तो भाई पूरी आज बहुत कुछ दिखे, गोवा है हम पता है हमें, लेकिन पूरी का भी बीच बहुत ही प्यारा है, बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे बहुत जगह जाना है, प्लस कल 23 है अगस्त कह सकते हो, तो कल से जगन्नाथ स्वामी का टेम्पल खुल रहा है। तो इट माइट पॉसिबल हो सके तो कल हम लोग टेम्पल विजिट करेंगे और टेम्पल में भी जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी रास्ते में, तो चलो फिर आगे मिलते हैं। सो लुक एट द गाइस, वेलकम टू पूरी। आप कह सकते हो पूरी यहाँ से 42 किलोमीटर ओनली लेफ्ट है एंड व्हाट अ ब्यूटी यार, कितना प्यारा लग, जगन्नाथ स्वामी का पूरा टेम्पल दिख रहा है चारों तरफ पोस्टर में। पिपली गांव यहाँ का बहुत फेमस है, मतलब उड़ीसा इंडिया का फेमस चीज़ का हैंडक्राफ्ट जो भी चीज़ होता है तो पिपली गांव से बिलोंग करता है हर चीज़। तो यहाँ से राइट टर्न करो तो पिपली जाएगा और ऑलमोस्ट वो चीज़ जो भी है वो चीज़ यहाँ पर मिलेगा। तो पिपली गांव बहुत फेमस है हैंडीक्राफ्ट चीज़ के लिए। सो अभी हम लोग को फोकस करना है पूरी पे, पूरी एकदम यहाँ से स्ट्रेट 42 किलोमीटर है ओनली लेफ्ट बच गया। सो गाइस वेरी एक्साइटेड गाइस फॉर पूरी। सो अभी थोड़ा देर के लिए रेस्ट लिए हैं, अभी देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। और गर्मी यार लिटरली बहुत ही ज़्यादा हाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी फैमिली के साथ भी है तो फैमिली को ले कर चलना है। क्या है सो फाइनली गाइस हम लोग पूरी आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर बाकी है। और ये रहा राइट साइड में पूरी का बस स्टैंड, काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लग रहा है कोई टेम्पल टाइप का है। तो ऑलमोस्ट पूरी 6 किलोमीटर बच रहा है और ये लेफ्ट साइड में स्टेशन है पूरी का, मतलब सामने बस स्टैंड और लेफ्ट साइड में स्टेशन। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं और ये ट्रैफिक सिग्नल देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, कोई टेम्पल से ही रिलेटेड ये भी है। सो यार व्हाट अ ब्यूटी, कितना क्राउड फ्री इलाका है यार, कसम से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है पूरी कह सकते हो। हर जगह जो भी कलाकारी किया हुआ लगता है कि हैंडमेड होता है ना, वो उस टाइप का किया हुआ है हर जगह, मतलब घर टेम्पल या फिर हर जगह उस टाइप का ही किया हुआ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और देख सकते हो ये सिटी का रोड है और कितना वाइड कितना चौड़ा लगता है, 6 लेन टाइप का है। जी अच्छा, यहाँ पे कह सकते हो कि जगन्नाथ स्वामी का इस लोकेशन पे जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा होता है। तो एक तरह का वो मंदिर है क्या जगन्नाथ स्वामी का? तो अगर आप लोगों को दिख रहा होगा इस वो सामने जो टेम्पल का दिख रहा व्यू आ रहा है यहाँ पे जगन्नाथ स्वामी का जो भी होता है रथ यात्रा, तो यहाँ पे आके अपने मौसी घर में यहीं पे रुकते हैं जगन्नाथ स्वामी, उनके मौसी घर यहाँ पे। तो यहाँ से सामने उनका वो उनका मंदिर है मेन, जगन्नाथ टेम्पल कह सकते हो। तो वो आके यहाँ पे स्टे करते हैं। आपको ये चमत्कार यहाँ से देखने को मिलेगा जी, जो नील चक्र आपको सामने वाला दिख रहा है ना भगवान जी का, नील चक्र हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो आपको जिधर भी देखेगा ना आपके तरफ देखने को मिलेगा। मेरे साइड
मेरे साइड। हाँ सो भाई लोग, एक्चुअली जो ऊपर जो झंडा के नीचे चक्र टाइप का है, यहाँ का मानना है कि आप जिस जो साइड से देखेंगे ना, वो चक्र लगे कि आपको ही देख रहा है। तो यहाँ कुछ ऐसा खासियत है मंदिर का। सो भाई फाइनली हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनी में पहुँच चुके हैं, और लिटरली यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेस है। और अभी पेंडेमिक के कारण यहाँ थोड़ा लॉकडाउन का सीन चल रहा है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही रोड सन्नाटा कह सकते हो। बट जब रथ यात्रा के टाइम में ये रोड इतना क्राउड से भरा होता है कि आदमी यहाँ पे चलने लायक नहीं, इतना भीड़ इतना ज़्यादा होता है। सो यार मैं पीछे रखता है यार, देख सकते हो मतलब कि हर जगह जो भी कलाकारी किया हुआ लग रहा है, पूरा हैंडमेड है। जो भी मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। भाई यहाँ का सबसे बड़ा चीज़ है कि उड़िया लैंग्वेज तो समझ नहीं आता, बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत बढ़िया है, यहाँ लोग को उड़िया लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी भी आता है। तो अगर कहीं आप मिसगाइड होते हो, या फिर कहीं आप थोड़ा फैमिली या फिर जो अपने ग्रुप से अलग होते हो, तो अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी से आप सब कोई को बात करके आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। ये चीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पे, उड़िया विद हिंदी। देख सकते हो मकान कितना पुराना पुराना यहाँ पे लग रहा है, बहुत एंशियंट टाइम का लग रहा है मकान। सब मंदिर काफ़ी, अगर लिटरली यहाँ से हम देख रहे हैं, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है मंदिर का। तो मंदिर का दर्शन तो आज तो नहीं कर पाएंगे, तो मंदिर हम लोग कल जाएंगे और कल मंदिर का दर्शन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग होटल देखना है, बिकॉज स्टे करना है यहाँ पे, तो होटल का भी देखना है कहाँ पे ले रहे हैं। अभी फैमिली के साथ ट्रिप किए हैं तो थोड़ा भाई आगे पीछे देख के चलना पड़ता है। ये क्या है? हा? क्या है? बहुत पुराना धर्मशाला है ये। धर्मशाला कैसे? देवीधर दूध वाला धर्मशाला, मतलब यहाँ का बहुत ही एंशियंट टाइम का धर्मशाला कह सकते, काफ़ी पुराना धर्मशाला है।